वाह, तुम आज भी बाइक पे घूम रहे हो। क्या हुआ तुम्हारे उन बड़े बड़े वादों का कि अगर मैं तुम्हारा साथ दूंगी तो तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़ लाओगे? You know what? I was right. बहुत सही किया मैंने तुम्हें छोड़कर, वरना मैं भी आज इस बाइक पर घूम रही होती थी। वो कार देख रहे हो? मेरे हस्बैंड की है। अभी 2 महीने पहले उनको एक बड़ी कंपनी ने हायर किया है, मैनेजर की पोस्ट पे। और तुम सेल्समैन हो गए ना? हर महीने बड़े होटल में खाना खाने जाती हूँ मैं, और 2 बार शॉपिंग। तुम्हारे साथ होती ना तो एक साड़ी लेने के लिए भी मुझे 100 बार सोचना पड़ता। और बड़े होटल में खाना खाने की बात तो छोड़ ही दो। रितु, अरे सर, आप, व्हाट अ सरप्राइज सर, ये मेरी वाइफ रितु है एंड ही इज माय बॉस। इनकी जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है। सिर्फ 5 सालों में इन्होंने इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया, और इतनी कम उम्र में ये 6-6 कंपनी के मालिक हैं। और ये सब किसकी वजह से हुआ है तुम्हें पता है? एक लड़की की वजह से, जिसे ये बेइंतहा प्यार करते थे। पर वो लड़की 5 साल पहले इन्हें छोड़कर चली गई और किसी और से उसने शादी कर ली। कितनी बेवकूफ होगी वो लड़की जो अपने सच्चे प्यार को नहीं पहचान पाई। सॉरी सर, मैं बातों में लग गया था। एक गुजारिश है आपसे सर, अगर आज आप हम दोनों के साथ लंच करें तो हम दोनों के लिए बहुत बड़े गौरव की बात होगी सर। आज नहीं, फिर कभी। दौलत अगर खुदा बन जाए तो इंसान को पत्थर बनने में हर्ज क्या है? मेरी कामयाबी दुनिया को दिखती है, लेकिन कोई नहीं जानता दिल में मर्ज क्या है।